नमस्कार, स्वीकार कीजिए आपके अपने राकेश मोहन सिंह का, और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्र दरबार, जहां आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में हुए सांप्रदायिक दंगों पर और डालेंगे नज़र सुर्खियों पर। सबसे पहले आज के सवाल जो उठने चाहिए आपके विचारों की मंदाकिनी है, क्या कोरोना वैक्सीन की कमी के लिए सरकार है जिम्मेदार? क्या देश में बहुसंख्यक लोग हो गए हैं बेगाने? कोरोना पर सरकार क्या भ्रम का वातावरण बना रही है? इस देश पर हरा रंग होने लगा है हावी। अब रुक करते हैं मुख्य खबर पर, जिस पर रहेगी आज पूरे दिन हमारी नजर। राजस्थान के 12 जिले के छाबड़ा शहर के उपखंड धरनावादा के मुख्यालय चौराहे पर मामूली कहा सुनी सांप्रदायिक हिंसा में परिवर्तित हो गई है। 10 अप्रैल को कमल सिंह ठेले पर से अपने परिवारजनों के लिए फल ले रहे थे, तभी पास में खड़े कुछ युवकों के साथ उनकी कहा सुनी हो गई, जिसके बाद उन युवकों ने कमल सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। पास में खड़े राकेश जब उन्हें बचाने के लिए दौड़े तो युवकों ने उन पर भी हमला कर दिया। इन युवकों के हमले के बाद कमल सिंह और राकेश को गंभीर हालात में पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों की पहचान फरीद, आबिद और समीर के रूप में हुई है और स्थानीय पुलिस ने तीनों को ही कारावास में डाल दिया है। घटना के बाद 11 अप्रैल को दोनों ही समुदाय के लोग चौराहे पर एकत्र होना शुरू हो गए और कुछ ही पल में दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। देखते ही देखते इस पूरे घटनाक्रम ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। इस हिंसा के दौरान कई दमकल की गाड़ियां और पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने जबरदस्ती करते हुए बाजार के लोगों को बाजार बंद करने के लिए कहा, लेकिन कई व्यापारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया कि वैसे ही व्यापार में सुस्ती है और वह बाजार बंद करने की परिस्थिति में भी नहीं है। जब व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद करने से मना कर दिया तब उपद्रवियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने दुकानों में आगजनी शुरू कर दी। मामले की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को विकेंद्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे भीड़ के ऊपर और क्षेत्र में 13 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी और बिजली, इंटरनेट दोनों का ही सुचारू संचालन पूरे क्षेत्र में स्थगित कर दिया गया कि हिंसा व्यापक रूप ना ले सके। हालात की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और कोटा रेंज के आईजी भी घटना क्षेत्र के लिए निकल गए और वहां तैनात हुए। अभी हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं और दोनों ही पक्षों के वरिष्ठ लोगों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समझ से परे एक बात है कि इस तरह की घटना जहां हिंदू लोगों को निशाना बनाया जाता है, तब मानवाधिकार की तख्ती पकड़े लोग नजर क्यों नहीं आते? तब कहीं भी स्टाइलिश पत्रकार ये कहते नजर नहीं आते कि इस देश में भी सबको जीने का अधिकार है? तब मंत्री, संतरी और देश के बड़े बड़े पंथ निरपेक्ष नेताओं का मजमा इनके घरों के बाहर क्यों नहीं लगता है? क्या जीने की आजादी और उसके लिए आवाज उठाने वालों की सोच चयनात्मक हो गई है? यह कैसा मानवाधिकार है कि एक समुदाय अपने ही देश में बहुसंख्यक होकर भी असुरक्षित है और उसका मानवाधिकार अपने ही देश में कहीं खो गया है? एक समुदाय कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़े ही संस्थागत तरीके से काम करता है, उनका वोट बैंक बनकर, इसलिए भी उस समुदाय की आवाज दूसरे समुदाय की आवाज की अपेक्षा अधिक मुखरता से उठाई जाती है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का साहस जुटा पाते हैं। अब रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। देश में दिन प्रतिदिन कोरोना अपने पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रहा है और नए मामलों में रोज एक नई उछाल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र, जहां से देश के सबसे अधिक कोरोना मामले आ रहे हैं, वहां का स्वास्थ्य सिस्टम अब जवाब देने लगा है और वहां भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवा की कमी होने लगी है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि हमें मरीजों की जान बचाने के लिए जीवन रक्षक दवाओं की चोरी करनी पड़ रही है। रुक करते हैं दूसरी सुर्खी की ओर। कोरोना ने फिर से पढ़ाई पर तालाबंदी लगा दी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूल, कोचिंग और कॉलेज को अगले आदेश तक बंद रखने की अधिसूचना जारी कर दी है और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि इसको सख्ती से लागू करवाए।
जिन राज्यों में पढ़ाई की तालाबंदी हुई है उनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, जम्मू, पंजाब और छत्तीसगढ़ प्रमुखता से शामिल है। रुख करते हैं तीसरी सुर्खी की ओर। मुखर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप गढ़ते हुए कहा है कि देश में कोरोना के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं और सरकार विधानसभा चुनावों में मस्त है और जनता अस्पतालों में पस्त है। राकेश टिकैत सरकार पर हमलावर होते हुए बोले कि सरकार कोरोना के नाम पर लोगों में भ्रम फैला रही है और इस भ्रम के पीछे किसानों और देश की समस्या को छुपाना चाहती है। रुक करते हैं चौथी सुर्खी की ओर। भारत में कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए तीसरे कोरोना वैक्सीन के आने की संभावना बन गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के लिए कम पड़ रही वैक्सीन के स्टॉक को देखते हुए एक्सपर्ट कमेटी सोमवार को स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर बैठक करेगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत जनवरी माह में हो गई और अब तक कुल 10,45,28,565 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।